छिंदवाड़ा दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता देंगे। वहीं बाल कांग्रेस के गठन के बारे में उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संविधान क्या है, और इसके लिए बाल कांग्रेस का गठन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा को जो प्राथमिकता मिलती थी वह मिलती रहेगी। इस सरकार को केवल 11 महीने बचे हैं। आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित दिशा की बैठक में कमलनाथ ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, ये तो सरकार प्राथमिकता छिंदवाड़ा नहीं है। 11 महीने हम रुकते हैं, तब जैसे पहले प्राथमिकता थी वैसे ही प्राथमिकता छिंदवाड़ा की होगी। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे, जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। बाल कांग्रेस बहुत आवश्यक है कि आज नई पीढ़ी जो है वो ही निर्माण करेगी हमारे जिले का और हमारे प्रदेश का, तो इसीलिए बाल कांग्रेस का बनाने का ये हम इसको कि अपने देश का इतिहास क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश का संविधान क्या है, इन सब चीजों में उन्हें ज्ञान देने के लिए हमने ये चलाया है।